गाइस जब बात आती है कि गाड़ी कौन सी ले और लग्जरी भी हो मिडिल फैमिली के भी हो, उस हिसाब से अगर गाड़ी की बात आती है सबसे टॉप से लिंक के ऊपर जो गाड़ियों की बात आती है तो कौन सी गाड़ी आती है आप सब जान रहे होंगे, पहचान रहे होंगे कौन सी गाड़ी है। यही है क्रेटा की गाड़ी और इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्रेटा का जो मॉडल है वही है टॉपेस्ट मॉडल। क्या क्या फीचर्स में आपको देखने को मिलेंगे कम्प्लीटली ए टू जेड बातें हम इसमें करने वाले हैं, तो आप पूरा का पूरा बने रहो वीडियो में। साइड में से हम बता देते हैं वाइट कलर है जो कि इसमें ऑटोमेटिक में है ये गाड़ी अपने को। उसके अलावा अगर हम बात करें इसमें हर चीज़ें आपको एक एक चीज़ इसमें बताएंगे वाले हैं। साइड में से पीछे से आप कम्प्लीटली तरीके से देख लो गाड़ी का जो लुक है ना काफ़ी विशाल सा लगता है कि ये कहो कि लाइक फ्यूचर जो फॉर्चुनर वगैरह के जैसा है। और इसका SX मॉडल है ये, कम्प्लीट पूरी चीज़ें और बताते हैं। साइड में से आप देख लो एक बार इसको, फिर हम इसके बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों करते हैं अब शुरुआत हम यहाँ से। और फ्रंट से आप देखोगे तो वास्तव में रानी की जैसे लगती है, किंग लगती है। और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी के साथ में जो डिज़ाइन दी है इस बार इन्होंने, ये डिज़ाइन और ये जो शार्क डिज़ाइन गजब तरीके की लग रही है, फिनिशिंग तरीके की और जो मस्त लगने वाली है। यहाँ पर बात करें तो इसमें जो DRL आपको देखो यहाँ पर मिलने वाले हैं, इसके यहाँ पर मिलने वाले और छोटा सा एक प्यारा सा एक DRL यहाँ पर, 3 प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको यहाँ पर, HID हेडलैम्प्स यहाँ पर मिलने वाले फ्रंट में, उधर की तरफ भी मिलने वाले। और यहाँ पर इसमें जो फॉग लैंप हैलोजन मिलने वाला, यहीं पर आपको इसमें इंडिकेटर्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। और दोस्तों बात करें यहाँ पर तो इसमें क्रोम फिनिशिंग दी हुई है जो बहुत प्यारी सी फिनिशिंग है यहाँ पर। और यहाँ पर हल्का सा कुछ अलग तरीके का इसमें सिल्वर कलर का टच दिया हुआ प्लास्टिक का, और ये जो अलग अलग जो प्यारी प्यारी डिज़ाइन इसमें बनाई हुई है कंप्लीट पूरा है। यहाँ पर आपको नंबर प्लेट्स के ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पर बिल्कुल Hyundai का जो लोगों की बेजिंग मिलने वाली है। और यहाँ पर नीचे की तरफ देखो तो आपके पास सिल्वर कलर का ऑप्शन इसमें, यहाँ पर कलर का बेजिंग इसमें मिल जाएगी। यहीं पर भी देखो आप इसमें देखो तो यहाँ पर आपको ये 3 HID हेडलैम्प्स के ऑप्शन इसमें मिलने वाले हैं। आगे की तरफ बात करते हैं दोस्तों तो व्यू फ्रंट से गाड़ी का कुछ इस तरह से रहने वाला है। और यहाँ पर आपको गाड़ी का टोचन वगैरह करने का ऑप्शन इसमें रहने वाला है यहाँ पर। और यहाँ पर इसके जो टायर वगैरह है, इसके टायर वगैरह करीब R17 के इसके टायर है। और यहाँ पर टॉप मॉडल में आपको ये ड्यूल कलर में मिलते हैं, लेकिन क्योंकि उसको आजकल लोग डायमंड कट और कुछ इस तरह से, बाकी ये सिल्वर कलर में है, बहुत प्यारे लग रहे हैं ये भी नो डाउट। और इसके जो टायर की साइज़ है 215/60 R17 इसका टायर वगैरह है। ऑटोमेटिक मोड की यहाँ पे बेजिंग मिल जाती है। और यहाँ पर आपको इसमें यहाँ पर जो इंडिकेटर्स की बेजिंग, मतलब जो यहाँ पर फेंडर पे नहीं देख करके इन्होंने यहीं पर दिया हुआ है, तो ये एक बेहतरीन तरीके की बात बन जाती है। यहाँ पर दोस्तों आपको इसमें रिक्वेस्टिंग सेंसर इसमें मिलने वाला है लॉक अनलॉक के लिए, यहाँ पर आपको इसमें मिल जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो ब्लैक कलर की जो पट्टी दी हुई है ये बहुत प्यारी लगती है, नीचे की तरफ भी ऊपर की तरफ भी अगर इस गाड़ी को देखो यहाँ पे ऊपर, ये तो खैर बताऊँगा इसके बारे में बात करेंगे आगे डिटेल में। यहाँ पर इसका साइड का व्यू है जो कि एक लंबी सी लगती है, बिल्कुल सेडान टाइप की गाड़ी, सेडान तो नहीं है लेकिन एक लग्जरी SUV कह सकते हैं उन्हें। और यहाँ पर आपको बिल्कुल यहाँ से पूरी कम्प्लीटली यहाँ तक आपको इसमें एक ग्रे सिल्वर टाइप का कुछ हल्का सा टच इसमें दिया हुआ है, शायद ये लोहे का ही है लेकिन हल्का सा कुछ इसमें लगता है। रूफ रेल इसके मिल जाते हैं काफ़ी बड़ी बड़ी और काफ़ी मजबूत, अगर आप इसको पकड़ भी लो तो नहीं निकलने वाली है। यहाँ पर इसमें सिल्वर कलर की बेजिंग, मतलब जो एक डिज़ाइन होती है वो नहीं देख करके यहाँ पर पूरा व्यू अगर इसमें लगाओगे तो काफ़ी बेहतरीन इसमें हो जाएगा। इंडिकेटर्स में आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, तो इंडिकेटर्स की बात करें तो इंडिकेटर्स में आपको यहाँ पर ये पूरी लाइट यहाँ ब्लिंक करेगी यहाँ पर इस तरह से, और ये जो लाइट यहाँ पे पायलट लाइट्स आपको इसमें मिल जाएगी। SX मॉडल है इसका, प्यारा सा बेजिंग है यहाँ पर। और ये लाइट टेल लैंप्स यहाँ पर नहीं दे करके टेल लैंप्स यहाँ पर दिया हुआ, और यहाँ पे वॉशर वगैरह यहाँ पे है आपको, इसमें डिफोगर मिल जाएगा बैक साइड में, रूफ एंटीन आपको यहाँ मिल जाएगा, यहाँ पर क्रेटा लिखा हुआ बहुत ही प्यारा लग रहा है और बहुत अच्छा तरीके से यहाँ पर नंबर प्लेट की। यहाँ पर आपको 4 सेंसर मिल जाएंगे इसमें, पार्किंग सेंसर। इसके अलावा यहाँ पर इसके कलर की जो बेजिंग दी है गजब की तरीके की है, और ये जो डिज़ाइन है ना काफ़ी मजबूत प्लास्टिक है, मतलब कोई नो डाउट किसी भी तरह का। यहाँ पर भी देखो जिसकी मतलब एक प्लास्टिक क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अगर हम डोर की बात करें तो देखो डोर यहाँ पे अटक जाता है इसका ना, मतलब अटक नहीं जाता, वो एक थोड़ा रहता है थिकनेस, और काफ़ी वाइड, मतलब काफ़ी आराम से काफ़ी वाइड इसका ये खुल जाता है पूरा का पूरा गेट। और देखो दोस्तों मैं अंगुली से इसको अंदर की तरफ कर रहा हूँ तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी आप आइडिया लगा सकते हो गई। देखो लोग गाड़ी, मतलब एक अंगुली से देखो किसी तरह का कोई भी दबाव इसमें नहीं आया। और जो बिल्ड क्वालिटी है ना गाड़ी की कैसी क्या है, मोटाई देखो आप इसके करीब ज़्यादा नहीं तो 7-8 इंच के समथिंग इसकी मोटाई होगी, क्योंकि काफ़ी हैवी है इसमें। यहाँ पर बात करें तो आपको इसके जो ORVM उनको सेट करने का ऑप्शन मिल जाएंगे लॉक अनलॉक के, चारों पावर विंडोज़ के
आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर पकड़ने की जो ग्रिप वगैरह ना, गजब तरीके के यार, हल्का सा इसमें टच दिया हुआ, हल्का सा वाइट कलर का थोड़ा सा इस तरह से। यहाँ पर आपको ये जो प्यारे से स्पीकर मिल जाएंगे, और जो कि काफ़ी लंबे स्पीकर से इसमें मिलने वाला है। यहाँ पे ट्यूटर्स वगैरह के ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे, और इसमें करीब 2 लीटर की बोतल आराम से आप रख सकते हो। दोस्तों बिल्ड क्वालिटी, इसकी जो प्लास्टिक क्वालिटी है, मारुति तो वास्तव में अब कर रही है सुधार, लेकिन मारुति की जो चीज़ें हैं ना, शायद नहीं कर पाए इसकी टक्कर। फिर भी काफ़ी अच्छी इन्होंने ये प्लास्टिक की है। इसके अलावा अंदर चलने से पहले यहाँ पर जो इसकी हाइट की बात करें, तो करीब 215 इसकी MM इतनी इसकी हाइट वगैरह है। ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर सीटों वगैरह को ऑटोमेटिकली तरीके से नहीं है, लेकिन हैंड से आप इसको ऊपर नीचे करने का आप ये ऑप्शन इसमें कर सकते हो। यहाँ पर आपको ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है, तो यहाँ पर आपको इसमें क्लिच नहीं मिलने वाली। यहाँ पर अगर आप पुश करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन इसमें मिलने वाले। फ्यूल का ओपन करने का आपको यहाँ मिलेगा, बोनेट अगर आपको यहाँ से ओपन हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो फिर से बात करूँ मैं स्टीयरिंग की, काफ़ी अच्छी ग्रिप है। और दोस्तों इसका जो कंफर्ट है ना काफ़ी गाड़ी का, काफ़ी प्यारा अच्छा लगा कंफर्ट मुझे इसमें, ये चीज़ है। एक बात है कि गाड़ी अगर कोई हुंडई की लेता ना, तो मतलब ये मानो कि 10-15 साल के लिए तो भूल जाओ आराम से, 10 साल के लिए कोई कमी नहीं आने वाली। लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस गाड़ी में हल्का सा इसका जो म्यूजिक जो इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया हुआ काफ़ी बड़ा है, कोई नो डाउट। लेकिन इसका काफ़ी बड़ा होने के बाद थोड़ा सा तिरछा है, मतलब ड्राइवर की साइड में। यहाँ पर इस पर स्पीडोमीटर की बात करें, टेगोमीटर की बात करें, तो आपको स्पीडोमीटर टेगोमीटर भी काफ़ी बड़ा इसमें देखने को मिल जाता है। 20 किलोमीटर अभी चली है गाड़ी, नो डाउट्स किसी तरह का। यहाँ पर इसकी प्यारी सी आपको इसमें टिल्ट और टेलीस्कोपिक इसमें जो स्टीयरिंग मिलने वाली है, ऑटोमेटिक है, तो यहाँ पे आपको इसकी जो रेस वगैरह का आप कंट्रोल यहाँ से कर सकते हो, ये प्लस का और ये माइनस का। यहाँ पे आपको ORVM के कंट्रोल से इसमें, यहाँ पे ORVM आपको ऑटोमेटिकली मिल जाने वाला है, काफ़ी अच्छा इसमें यहाँ पे ऑप्शन है। इसके अलावा इसका जो प्यारी सी स्टीयरिंग, यहाँ पे कुछ इसमें टेलीफोनिक कंट्रोल्स, मीडिया के कंट्रोल्स इसमें मिल जाएंगे, क्रूज़ कंट्रोल आपको इस गाड़ी में मिल रहा है, ये बड़ी बात बन जाती है। यहाँ पर इसकी जो स्टीयरिंग की जो फिनिशिंग दी हुई है ना, प्यारी सी फिनिशिंग दी हुई है, काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आपको इसमें ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली एसी आपको इसमें गाड़ी में मिल जाएगी। यहाँ पर इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर म्यूजिक का ली देखो, यहाँ पर फिर से बात करूँगा कि गाड़ी में जो वॉल्यूम का कंट्रोल है, आपको कभी कभार एक्सीडेंट टच करने के चक्कर में हो जाता है। आपको इसमें इसका जो ये नॉर्मली ऑटोमेटिक में है, तो आपको यहाँ पर इसमें पार्किंग के लिए ऑप्शन इसमें मिल जाएगा, और रेस्ट यहाँ पर मिल जाता है, जो कि स्लाइड करने का तो नहीं है इसमें। यहाँ पर आप एयर प्योरीफायर का यहाँ ऑप्शन इसमें मिल जाता है। इसके अलावा यार इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना यार, वो भी खतरनाक तरीके की दी हुई है। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा स्पेस यहाँ मिल जाएगा, 2 कप होल्डर्स यहाँ मिल जाएंगे, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे मिल जाएगा। और इसमें दोस्तों यहाँ पर आपको जो कहते हैं ना कि वायरलेस चार्जिंग भी ऑप्शन इसमें मिल जाएगा, यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन इसमें मिल जाएगा। यहाँ से फ्रंट से बात करें तो डैशबोर्ड की अच्छी डिजाइनिंग है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको इसमें कूल ग्लव बॉक्स आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, नो डाउट। यहाँ पर आपको इसमें कुछ सनग्लासेस के ऑप्शन यहाँ मिल जाएंगे, आप सनग्लासेस अगर आप इसमें अटैच कर सकते हो। यहाँ पर ये बात कर रहा हूँ मैं क्रेटा के SX मॉडल के बारे में। यहाँ पर इसमें आपको एक सनरूफ तो इसमें यहाँ पर मिल जाएगा, और एक सनरूफ पीछे की तरफ मिलेगा, तो कि देखो आप पूरी छत को देखो, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और दोस्तों ये चीज़ें किसी को पसंद आती है, किसी को नहीं आती। अगर मैं बात करूँ तो मुझे अपने इंडिया के हिसाब से सनरूफ ठीक नहीं है, क्योंकि कितना ही वो करो यार, कभी ना कभी तो इसमें मिट्टी वगैरह तो आ ही जाएगी, कभी ना कभी तो इसी तरह की मिट्टी चली जाएगी, पानी बारिश वगैरह का रेन भी थोड़ी इश्यू रहता है। बाकी कोई का अगर इसको खींच भी ले तो टूट फट जाएगा। इसी यहाँ पर मिरर मिल जाएगा को ड्राइवर साइड में, ड्राइवर साइड आपको इसमें मिरर नहीं मिलने वाला। इसके अलावा यहाँ पर सीटों की बात करें तो काफ़ी अच्छा कम्फर्ट सीटें यहाँ पर, जबकि मेरी हाइट के अकॉर्डिंग मैंने जबकि बढ़ाए रखी है सीट को, तो ये यहाँ पर मेरी हाइट के अकॉर्डिंग हो गए इसमें। अब पीछे की तरफ हम बात करें दोस्तों, ऑल ओवर फ्रंट का व्यू डैशबोर्ड का आपको ये इस तरह से देखने को मिलेगा। ये बात कर रहे हैं हम क्रेटा के टॉप मॉडल की, SX मॉडल की। इसके अलावा ऑटोमेटिक वेरिएंट में है ये गाड़ी, और ये जो गेट, ये पूरा लॉक हो गया गेट। सबसे प्यारी बात मुझे यही लगती है कि गेट लॉक हो जाते हैं इसके। और पीछे ड्राइवर की तरफ अपन चलते हैं, तो ड्राइवर साइड में आपको यहाँ पर ये फिनिशिंग दी हुई है वाइट कलर की, स्पीकर इसमें मिलने वाले हैं, और यहाँ पर ये कुछ एसेसरीज इन्होंने लगाई हुई है, जैसे आप इसको उतारना भी चाहो तो इसमें ऑलरेडी कंपनी की तरफ से ही इसमें आई हुई है। बाकी बात करते हैं, चलते हैं अंदर, और अंदर से तो घर के जैसे लग रही है गाड़ी, काफ़ी अच्छा, नो डाउट्स 4 आदमी आराम से इसमें बैठ सकेंगे। यहाँ पर आपको रियर साइड में भी आपको हवा के जो कहते हैं एयर प्योरीफायर के इसमें ऑप्शन यहाँ मिलेंगे, आगे मिलेंगे, यहाँ पर इसमें आपको कितना क्या हो रहा वो चीज़ें मिल जाएगी। AC भी मिल जाएगी आपको कंट्रोल वगैरह करने के। देखो दोस्तों, हाथ लगाओगे ना तभी पता लग जाता है कि यार गाड़ी में कितनी बिल्ड क्वालिटी में कितनी इम्प्रूवमेंट किया है इन्होंने।
यहाँ पर भी बात करें तो इसके जो डोर हैंडल्स की बात करो यार, देखो कितने गजब तरीके के हैं। और ये लग्जरी टाइप की लगती है गाड़ी थोड़ी, मतलब ये मानो कि पैसा भी तो इंसान कितना खर्च कर रहा है। यहाँ पर आपको इसमें हैंड रेस्ट इसमें मिल जाएंगे फ्रंट में, और यहाँ बैक साइड में भी आपको इसमें हैंड रेस्ट मिल जाएंगे। ऊपर की तरफ देखो तो इसका सनरूफ है ना, कितना प्यारा लग रहा है, कितना बड़ा लग रहा है, यहाँ से इधर कंप्लीट तरीके का यहाँ पर इसमें सनरूफ इसका होने वाला है। दोस्तों क्रेटा का जो बैक सीट है, ये भी जो इसका बैक गेट ओपन होता है, ये भी काफ़ी वाइड इसमें ओपन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह के भी। तो अगर आप इसको बात करते तो देखो ये गेट अगर मैं बंद करूँगा तो ये भी नॉर्मली इस तरह से क्लोज हो जाएगा। पीछे की तरफ हम बात करें तो इसमें आपको व्यू कुछ इस तरह से मारो, इसके डोर हैंडल को खोलना चाहिए तो इसका ये जो डोर पीछे का इसमें काफ़ी बड़ा स्पेस है। यहाँ पर आपको भी पीछे नॉर्मल अलॉय व्हील नहीं करके सिंपल में है, लेकिन आज भी क्वालिटी देती है मतलब हुंडई। पीछे लाइट मिल जाएगी, यहाँ पर आपको चार्जिंग सॉकेट नहीं मिलेगा, बस ये हुक यहाँ पे मिल जाएगा आपको इसमें यहाँ पर। और ये कुछ इसमें चेकिंग वगैरह जो डिटेल होती है ना व्हीकल चेक, क्या क्या इसमें फंक्शन वगैरह, वो मतलब क्या क्या चीज़ इसमें डाली हुई, सब कम्प्लीट चीज़ें यहाँ पर इसमें मिल जाती है। बाकी यहाँ पर अगर इसको और थोड़ा नीचे करना चाहिए था इसको, नो डाउट किसी तरह का। बाकी यहाँ पर आपको इसको पकड़ करके नीचे खींचना होता है। इसके अलावा गाड़ी को अगर अपन बंद करते हैं तो यहाँ पर आपको पीछे बैक कैमरा मिल जाता है, और फ्रंट में कैमरा नहीं है तो शायद 360 कैमरा इसमें नहीं है गाड़ी में, हल्का सा दबाया लेकिन उसमें पूरी की पूरी गाड़ी बंद हो गई है। ऊपर की तरफ हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको शार्प एंटीना मिल जाता है, जो भी सेम बॉडी कलर में काफ़ी गजब तरीके का। और यहाँ पर है इसमें मेन चीज़ जो गाड़ी की जो दम, गाड़ी में जो दम आती है वो है ये क्रेटा की जो चीज़ है, इसमें जो सनरूफ है वो बहुत प्यारा निकल करके आता है। फ्रंट से ड्राइवर साइड से को ड्राइवर साइड से देखो तो गाड़ी का कुछ लुक इस तरह से रहने वाला है। और यहाँ से भी हम बात करें इस गाड़ी को तो ये व्यू है इस गाड़ी का क्रेटा के SX मॉडल की। आई होप दोस्तों आपको पसंद आया होगा गाड़ी का लुक वगैरह। और दोस्तों मेरे चैनल पर नए नए वीडियोज़ वगैरह आते रहते हैं, आपको अगर कॉन्टैक्ट करना है तो हुंडई आरोड़ा हुंडई पे मालनगर जयपुर में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ऑल टाइम पर आपको गाड़ी यहाँ पर अवेलेबल रहेगी। ओके गाइज, थैंक यू।